ओके सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सेलेन। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जिन लोगों के अकाउंट में इस श्रम कार्ड का पहली किस्त 1000 रुपये नहीं आया है, उनको क्या करना होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दरअसल आप लोगों को बता दूँ, कोरोना काल में आर्थिक मंदी से जूझ रहे श्रमिक वर्ग के नागरिकों के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय के ई श्रम योजना काफी मददगार साबित हो रही है। इस योजना के तहत योगी सरकार ई श्रम कार्ड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन लोगों के बैंक खाते में 2 महीने के हिसाब से 1000 रुपये ट्रांसफ़र कर चुकी हैं। लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन तो करा लिया है, लेकिन उनके खाते में अभी तक पहली किस्त नहीं आई है। दरअसल जिन पात्र नागरिकों के खाते में ई श्रम योजना की किस्त नहीं आया है, उन्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को बैंक जाकर किस्त का स्टेटस चेक करना है, या फिर घर बैठे बैंक के टोल फ्री नंबर पर कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही बैंक खाते के साथ रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर की जानकारी ले सकते हैं। अगर नंबर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उसे ठीक से जांच ले, नहीं तो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं ताकि खाते के संबंधित जानकारी आपको मैसेज के जरिए प्राप्त हो सके। जानकारी के अनुसार योगी सरकार ने राज्य के 2 करोड़ श्रमिकों को बैंक अकाउंट में ई श्रम कार्ड योजना के तहत पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। ट्रांसफर करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। योजना के तहत मजदूरों की आर्थिक मदद दी जा रही है ताकि वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। इसके अलावा इस योजना के तहत यूपी गवर्नमेंट की महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं की भी लाभ मिल सकेंगे। सरकार ने दिसंबर से मजदूरों के खाते में पैसे ट्रांसफर करना शुरू कर दिए हैं। सरकार अब तक लगभग 50 लाख से ज़्यादा लाभार्थियों के खाते में 1000-1000 रुपये की ट्रांसफर कर चुकी हैं। अभी तक जिनके अकाउंट में इस श्रम कार्ड का पहली किस्त 1000 रुपये नहीं आया है, तो उनको यहाँ पे वेट कर लेना होगा। 15 जनवरी से पहले आप लोगों के अकाउंट में यूपी गवर्नमेंट के द्वारा 1000-1000 रुपये की पहली किस्त डाल दिए जाएंगे। तो बस आज की वीडियो बस इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।